हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ रशियन सैंडविच की रेसिपी, जो कि एकदम क्विक और आसान है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली है ग्रेट की हुई कैबेज, चॉप की हुई कैप्सिकम, ग्रेट की हुई कैरेट और बॉयल किए हुए कॉर्न। कॉर्न ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप चाहें तो फ्रेंच बीट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए है मेयोनीज और ब्रेड। ब्रेड के चारों कॉर्नर्स को काट लिया है। ये मैंने ली है ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और शुगर। अब चलिए इन सबको मिक्स करते हैं। सबसे पहले किसी बॉल में ये सारी वेजिटेबल्स को एक साथ मिक्स कर दीजिए। कैप्सिकम हमें बारीक चॉप की हुई लेनी है। उसके बाद इसमें मेयोनीज ऐड कर दीजिए। अब इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और शुगर ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास बारीक पिसी हुई शुगर है तो वो डाल दीजिए। और हाँ, शुगर आपको हाथ रोक के थोड़ी सी डालना है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगी तो ये सारी वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी। ये सारी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए केचप ऐड किया है। केचप भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें केचप डाला जाए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद ये जो हमने ब्रेड ली है जिसके चारों कोनों को काटा हुआ है, उसके ऊपर ये सारा हमारा मिक्सचर रखिए। उसके बाद इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख दीजिए। ये देखिए इस तरह। इसके बाद सारे सैंडविचेस को ऐसे ही मिक्सर डालकर रेडी कर लीजिए। ये हमारे सैंडविच रेडी हो गए हैं। अब इनको साइड से कट कर दीजिए और दो पीस में काट लीजिए। ये बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है। आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी हो। रशियन सैंडविच की ये रेसिपी आसान होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इसमें कोई भी फ्राई की हुई आइटम नहीं है। आई होप मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और मेरे आने वाले वीडियोस में आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रमज़ान की क्विक और आसान रेसिपीज़ आने वाली हैं।